रहा था उसी संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यद्यपि एक पालिका जिसने पूरे सत्र में एक पालिका जिसने साहस किया एक सवाल पूछने का मुझसे, वो कीर्ति वर्मा के सर ये जो हमने लगाया है यहां वंदे मातरम या राष्ट्रगान, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है और इनका जो पब्लिशिंग ईयर है उनमें डिफरेंस है, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि बेटे इसका खुलासा मैं व्याख्यान माला में ही करूंगा, अन्यथा तो अगर आपके मन में कोई इस तरह के सवाल होते हैं तो आप अपने शिक्षकों के सामने रखिए, और जो ऐसे महत्व के विषय हैं जो सबके काम के हैं तो वो यहां व्याख्यान माला की कड़ी में अगर डिस्कस हो जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं अभी उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, मैं उस विषय पर जा रहा हूं जो मेरे दिल के करीब है और जिस पर मैं चाहता हूं कि आपसे बातचीत करूं या आपको इस व्याख्यान माला की कड़ी में अवगत कराऊं। वो विषय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में एक ही चर्चा है, वो चर्चा है कि हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे उन पर एक कायराना घात लगा करके हमला किया गया, धोखे से उनको मारा गया और उसके बाद देश की जो स्थिति परिस्थिति है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो मेरे जहन में या आपके जहन में ये सवाल चलना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, अगर कोई आतंकवादी आतंकवादी बना है तो उसके क्या कारण है, क्यों वो अपनी जान पर खेल करके यहां तक कहिए कि अपनी जान दे करके हमारे जवानों का या हमारे देश का नुकसान करने पर तुला है, इसकी गहराई में क्या है, क्या ये बात इतना साधारण है जितना साधारण रूप से इसको समझ रहे हैं या इसमें कुछ गहराई है। तो उन सब संदेहों का मैं इस व्याख्यान के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करता हूं, आशा है आप इससे कुछ संदर्भ ग्रहण करके इस जानकारी को आप अपने बीच रखेंगे। अगर हमें समझना है कि ये जो विवाद है जम्मू एंड कश्मीर का ये है क्या, आतंकवादी हमसे क्या चाहते हैं या हमारे देश से या हमारी सरकार से क्या चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए जानने के लिए आपको थोड़ा रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा आजादी के कालखंड में, जब देश की आजादी का निर्णय हुआ अंग्रेजों के बीच और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच, तो उस समय जो देश की भौगोलिक स्थिति थी उसको हमको समझना पड़ेगा। आप जानते हैं भारत एक जो देश था इसको हम व्रत भारत भी कह सकते हैं, क्योंकि व्रत भारत का जो हिस्सा है वो तो अफगानिस्तान भी है और वो तो पाकिस्तान भी है, वो तो बांग्लादेश भी है और वो तो भारत भी है। आप व्रत भारत तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन बाद का जो भारत आजादी के बाद का जो भारत है या आजादी के दौरान का जो भारत है उसको समझना पड़ेगा। पूरा भारत विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी रियासतें, उर्दू का अल्फाज़े रियासत, इंग्लिश में बोलते स्टेट, हिंदी में बोलते राज्य, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और हरेक राज्य का अपना एक राजा होता था और वो सब राजा फिर एक भारत के अंतर्गत रहकर के अपने अपने टेरिटरी के मालिक थे। आपको पता ही होगा जो आयरन मैन ऑफ इंडिया की जिनको उपाधि दी गई है, क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके प्रयासों से सभी स्टेट्स को समाप्त करके या खत्म करके या उनका विलय करके भारत को एक संघ बनाया गया था और इसका पूरा श्रेय जो है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो बाद में जाएगा, उससे पहले जो अंग्रेजों की करतूत थी वो हमें समझनी चाहिए। जब उन्होंने एक शर्त रखी हमको आजाद करने की कि हम दो डोमेन दो गणराज्य के रूप में भारत को आजादी देने के लिए तैयार हैं, एक होगा पाकिस्तान एक होगा हिंदुस्तान, तो जब यह तय होता है कि आपको दो खंडों में आजादी मिली तो इसको हमारे स्वतंत्रता या हमारे उस समय के जो नेता थे उनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि देश के अंदर परिस्थितियां कुछ इसी तरह की थी। लेकिन यह स्वीकार करने के बावजूद भी हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो था कि भारत एक विखंडित रूप में था, तो जब हम आजाद हो गए तो हमने उस चुनौती को लिया और हमने अपनी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से उनको एक करने का काम किया। लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी जिनको मर्ज करने में जिनको विलय करने में एक दिक्कत आई, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया भारतीय नेताओं को कि
हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अपनी मर्जी से जो लोग जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाएंगे और आप उनको रोकोगे नहीं। जो राज्य जिसमें मिलना चाहता है वो उसमें अपना चुनाव कर लेगा, जिसको भारत अच्छा लगता है वो भारत में चला जाएगा, जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान में चला जाएगा। आप उनकी स्वेच्छा से उनकी स्वतंत्रता से लोगों को अपने अपने देश में सम्मिलित करने का कार्य करेंगे। वो फिर एक अलग बात है कि हमने अपने राज्य को मजबूत करना था तो हमने उसके लिए प्रयास किए, पाकिस्तान ने अपने राज्य को मजबूत करना था अपने देश को मजबूत करना था तो वो उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। और हमारे बीच से हमारे जो उस समय के गृहमंत्री थे जिनका ऋण शायद भारत कभी उतार नहीं पाएगा, उसने इसकी एकता अखंडता के लिए जितने समग्र प्रयास किए वो किसी से छिपे नहीं। लेकिन सवाल यहां आता है कि वो तीन कौन सी विवादित टेरिटरी थी, कौन से क्षेत्र थे जिनमें ये समस्या ज्यादा रही। एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद और एक था जम्मू एंड काश्मीर। ये इनके इन प्रकरण चूंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के, उनके मशवरे के बिना को संभव था नहीं, तो गृहमंत्री श्रीमान हमारे आयरन मैन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोऑर्डिनेशन से जूनागढ़ को भी कैसे कैसे करके मिला लिया गया भारत में और हैदराबाद को भी मिला लिया गया। यद्यपि उसमें भी बहुत संकट रहा लेकिन एक जगह हमारी स्थिति थोड़ी विचित्र रूप में रही। चूंकि जम्मू कश्मीर उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी वो ये थी कि बेसिकली जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और जो मुसलमान थे उस समय वो अक्सर कर वहां रहना चाहते थे पाकिस्तान में। लेकिन समस्या ये खड़ी हुई कि मुसलमान तो भारत के कई हिस्सों में थे, अब उनको अलग कैसे रखा जाए। वहां मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां बहुत सारे मुसलमान रहना चाहते हैं, या कुछ इधर हैदराबाद का मुसलमान पाकिस्तान में रहना चाहता है, या जूनागढ़ का मुसलमान उसमें रहना चाहता है, या पूर्वी जो आज पूर्वी पाकिस्तान जो बना बाद में बांग्लादेश बना वो वहां रहना चाहते तो क्या किया जाए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहां दो भागों में देश होता है, जैसे अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हैं। तो इसी तरह से उसी संदर्भ पर पाकिस्तान को बनाया गया कि एक तो हमारे नॉर्थ में नॉर्थ इंडिया से ऊपर पाकिस्तान दिया गया, पेशावर लाहौर वाला इस्लामाबाद वाला, और एक पाकिस्तान दे दिया गया भारत के पूर्व में जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया उस समय। तो जिन लोगों को बांग्लादेश जिसको आज कहते हैं, जिनको पूर्वी पाकिस्तान में जाना है वो पूर्वी पाकिस्तान में जा सकते हैं, और जिनको नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो पाकिस्तान है उत्तर में उसमें जाना है वहां जा सकते हैं। तो लोग चले गए अपने अपनी दृष्टि से, कई सारे लोग यहां आए, कई सारे लोग यहां से वहां गए, और जैसे तैसे करके एक विवादित रूप में सही बंटवारा हो गया। वहीं फिर जम्मू कश्मीर का भी कारण था कि जम्मू कश्मीर को किधर जाना है। तो जिस प्रकार से जूनागढ़ में या हैदराबाद में प्रयास किए गए भारत सरकार की तरफ से, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व गृहमंत्री की तरफ से उतने प्रयास कश्मीर के मामले में नहीं हो पाए। उसका क्या कारण था, वहां के राजा हरि सिंह थे और चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका परिवार भी कश्मीर में रहता था, उन्होंने उसको सख्ती से डील नहीं किया और वो जिम्मेवारी वहां हरि सिंह को दे दी कि आप जैसे चाहे रहना चाहे, आप हमारे साथ रहना चाहे हमारे साथ रहिए और वहां रहना चाहे तो आप वहां रहिए, और हमने उनको पूरी तरह से आजादी दे दी। हरि सिंह जो उस समय के वहां के राजा थे उन्होंने निर्णय लिया कि मैं स्वतंत्र रूप से रहूंगा, ना मैं भारत के साथ रहना चाहता ना मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहता, मैं अपना एक स्वतंत्र देश चाहता हूं। उसकी भावना का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने यह तय कर दिया कि ठीक है आप आजाद रहना चाहते हैं आजाद रहिए। लेकिन जब हमने यह तय कर लिया कि वो आजाद रहना चाहते हैं आजाद रहे, वो भारत में नहीं मिलना चाहते, वो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते, तो इसका गलत फायदा पाकिस्तान ने उस समय उठाया और उधर से उसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। अब उस हमले के कारण यह हुआ कि अब राजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचता था, या तो वो उनसे हार जाए और जबरदस्ती उनके साथ मिल जाए। वो भागे हुए आए हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास, हमारे गृहमंत्री के पास, और वो उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षा दो। भारत ने उसको कहा कि भाई आप एक एसएसएन ट्रीटी होती थी जो साइन करना होता था कि आप भारत में मिले चाहते हैं, उसने कहा कि नहीं मैं मिले नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र रूप में अपने राज्य का बागडोर संभालूं, लेकिन चूंकि मैं उतना मजबूत नहीं हूं मुझे पाकिस्तान युद्ध में हरा सकता है या जबरदस्ती मुझे मिला सकता है, मुझे केवल सुरक्षा दे दीजिए। अब भारत की उदारता का एक परिणाम है कि भारत ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, और सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत ने ले ली, उसको स्वतंत्र रहने दिया।
अब वहां कुछ हमारे कमजोरी कही है या हमारे नेताओं की गलती कही है कि जब हमने सुरक्षा का ठेका उनके ले लिया तो हमें उसको अपने देश में मिलाने में क्या दिक्कत थी। हमने राजा हरि सिंह को समझाना चाहिए था कि जब आप इतने काबिल नहीं है कि अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, यदि आप हमसे सुरक्षा चाहते हैं तो फिर आप भारत का अभिनंदन क्यों नहीं होते। लेकिन यहां हमारे जो भी उस समय के नेता थे उनसे जो भी चूक हुई, जो भी गलती हुई, वो उन्होंने जारी रखा, उसको स्वतंत्रता भी दे दी और स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी सुरक्षा के जिम्मा भी ले लिया। इसलिए वहां जो उस समय कानून बना, संविधान बना, जिसको आप आर्टिकल 370 के नाम से जानते हैं, धारा 370, कि भारत का कोई भी नागरिक ना तो वहां जमीन खरीद सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र राज्य है। भारत का अभिन्न अंग जरूर है लेकिन वहां उसका अपना संविधान है, हम पर केवल जिम्मेवारी उनकी सुरक्षा की है। और चूंकि उस समय जो कागजात साइन किए गए भारत सरकार के बीच और वहां के राजा के बीच में कुछ इसी तरह से किए गए, तो तब से लेकर अब तक लगभग हम उसकी सुरक्षा का जिम्मा तो रखते हैं। लेकिन बाद में चीजें बदली, 70 आए, 71 आए, युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, जिसमें चूंकि एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक उत्तर का पाकिस्तान था, तो यहां रास्ता हमारे ऊपर से जाते थे लोग, तो हमारे उनके संबंध उतने अच्छे नहीं रहे जैसे अमेरिकन के हैं या जैसे ऑस्ट्रेलियन के हैं। तो फिर हमने महसूस किया कि ये तो हमने अपने घर के बाहर ही क्या खोद दी, खाई खोद दी है, जब गड्ढा खोद दिया है। तो हमने जैसे तैसे इंदिरा जी के प्रयासों से पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, उसको अलग किया गया और उसको बाद में बांग्लादेश के रूप में हमारी सेना ने उनको वहां से अलग कराया। तो इस बात का दर्द पाकिस्तान को ज्यादा है कि हमारे देश को तोड़ दिया या हमारे देश के हिस्से को हमसे अलग करा दिया, इसलिए भी उसकी दुश्मनी और हमारी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो फिर चाहता है कि जिस प्रकार से हमने बांग्लादेश को अलग करा दिया है, उसी प्रकार से हम भी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करवा देंगे। उसकी इस इंटेंशन के कारण जम्मू कश्मीर आज विवादित स्थल बना हुआ है और वहां तमाम तरह के लोग, चूंकि कश्मीर के तीन हिस्से हैं, एक लद्दाख लेह, एक पूरा कश्मीर और एक जम्मू रीजन, तो जम्मू रीजन का और लद्दाख का कोई विवाद से मतलब नहीं है विशेष रूप से, वो तो भारत के अभिन्न होना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर में कुछ जिले ऐसे हैं जो साउथ कश्मीर में पड़ते हैं, वो लगभग 5 या 6 जिले हैं मात्र, बाकी जिले वहां के भी शांतिप्रिय हैं और वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन 4-5 जिले ऐसे हैं विशेष रूप से, जिसमें पुलवामा भी जिला एक है, जिसके नाम पर आप मोमबत्ती जला करके पहुंचे थे शांति मार्च निकालने के लिए, वो जिला थोड़ा सा हमारा अशांतिपूर्ण है। वहां कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं, भारत के क्रिकेट को सम्मान नहीं करते, भारत देश को ज्यादा महत्व नहीं देते, और वो आज भी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर आज से आजादी के समय थे, वो 50 साल पहले थे। अब ये वो विवाद का कारण है जो अब तक हल नहीं हो पाया। अब इसके हल करने में क्या लगता है, मान लीजिए हमारे नेताओं से या उस समय के राजा हरि सिंह से कोई गलती हो गई, क्या किसी गलती का कोई सुधार नहीं हो सकता? सुधार था, इंदिरा अगर रहती तो सुधार हो चुका होता और उस समय लगभग होने के कगार पर था। लेकिन चूंकि सारे विषय एक साथ नहीं हल कर सकती थी, उसने एक विषय तो हल कर दिया, अब दूसरे की जिम्मेदारी शायद आज की सरकार पर आ गया है और उम्मीद है कि यह हल होगा। लेकिन वो हल क्या है? हल तो बंदूक ही है, या तो उनको समझाएं, उनको मुख्यधारा में लाए, नहीं तो वापस एक युद्ध करें और अपना जो छीना हुआ हिस्सा है उसको भी वापस लें। जब उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया था तो उस समय भी हमारे पास विकल्प था कि हम भी अटैक करके उनसे अपना हिस्सा छीन सकते थे, लेकिन आपको पता है यूएनओ बीच में आ जाता है और यूएनओ और रशिया, जो रशिया हमारा जिसको भारत का ग्रैंड फादर भी कहते हैं, उसने उस समय समझौता करवाया था हमारे बीच में, वो हिस्सा उनके पास रह गया था, कुछ हिस्सा चाइना के पास और भारत का है। तो इस तरह के तमाम भौगोलिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति देश में रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ इस विषय में आप अपने टीचर्स से विशेष रूप से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये समस्या है क्या। तो इस कड़ी में आज इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं तो कम से कम आपकी जिज्ञासा भड़की होगी और इस चीजों को और गहराई से आप जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।